Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा, मैथ्स में हमारा क्वेश्चन बैग 2 चल रहा है और इसमें हमारे 10th तक के सम हो चुके हैं. आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? इसमें देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं और इनसे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है? 11th है बेटा. देखिए आपके पास में बेटा क्या, ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर बेटा डिजिट्स दिए हैं, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर आपका है स्मॉलेस्ट, ठीक है? आप देखिए डिजिट्स क्या क्या हैं हमारे, वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. ध्यान से देखना बेटा, डिजिट्स हैं हमारे 6, 5, 9, 1. और बेटा जब डिजिट्स होते हैं तो उनको अलग अलग लिखा जाता है ऐसे, ठीक है? ऐसे ही बी में है देखिए 0, 9, 7, 3. ऐसे ही सी पार्ट है 7, 2, 9, 8. डी है 6049. ये है. अब इससे हम क्या करेंगे बेटा, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. देखिए बेटा जब भी हमें लार्जेस्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा. मीन्स दिए हुए डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर ये और फिर ये और फिर ये, कोमा हटा देंगे, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बन गया. स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट. ऐसे ही बेटा इसमें हमें लार्जेस्ट बनाना है सेकेंड में, तो ये आ गया हमारा 9730, ठीक है? अब हम इससे स्मॉलेस्ट बनाएंगे बेटा, तो स्मॉलेस्ट में 0 हमारा 3, 7, 9 ये बन जाएगा. लेकिन यहाँ पर बेटा ये हमारा 3 डिजिट में बन जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 0 को आगे नहीं रखेंगे, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, 0 को 3 की जगह पर और 3 को 0 की जगह पर कर देंगे. इसमें क्या करेंगे, हम 3 को आगे कर देंगे, 0 को पीछे करके ये कर देंगे. ये हमारा गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा. आप देखिए इसमें हमारा लार्जेस्ट हो गया 9872, स्मॉलेस्ट हो गया 2789. इसमें हमारा लार्जेस्ट हो गया 9640 और स्मॉलेस्ट क्या हो गया बेटा, 0 को 4 के स्थान पर रखेंगे, 4 को 0 के स्थान पर, और ये हमारा हो गया 4069. और इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. 0 का आपको ध्यान रखना है बेटा स्मॉलेस्ट नंबर बनाते टाइम, ठीक है? अब है बेटा सेकंड, जो हमारा नेक्स्ट सम है 12th वाला. देखिए नंबर, ठीक है? ये है बेटा. बेटा आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दिया क्या है आपको ये ध्यान से देखना. इसमें ये तो दे दिया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए. लार्जेस्ट तो बेटा आपका ये होता, आप तुरंत कर लोगे कि 4 टाइम 9 लिख देंगे, ये हमारा लार्जेस्ट बन गया. लेकिन बेटा यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि वो इवन नंबर होना चाहिए. और इवन नंबर कौन सा होता है बेटा, जिसके भी लास्ट में क्या आ जाता है, इन लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8. अगर लास्ट में ये होता
है ना, तो वो होता है हमारा क्या, इवन नंबर। और आपने देखा बेटा इसमें लास्ट में हमारा 9 है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा हम इसका इवन नंबर लार्जेस्ट बनाने के लिए, जो लास्ट वाला है ना इसमें सबसे बड़ा जो हमारा लास्ट में होना चाहिए ना 8, ये 8 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा नंबर 9 9 9, और इस 9 की जगह यहाँ इनमें सबसे बड़ा है हमारा 8, हम 8 रख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट का इवन नंबर है, अब बेटा ये इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा ओड है, ओड से इवन बनाने के लिए 9 से पहले जो हमारा है 8 वो लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से पहले जो 8 होता है वो हमारा इवन होता है, हमने लिख दिया। अब है बी, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर। क्या रखना है बेटा आपको, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, वो लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 डिजिट का ये होता है। अब आपने देखा बेटा इसके लास्ट में तो 0 है, जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होते हैं तो वो हमारा इवन नंबर है। आपने देखा ये तो हमारा इवन नंबर है, ओड है ही नहीं, और इसमें पूछा है ओड नंबर। और बेटा ओड नंबर कौन से होते हैं, जिन भी नंबर के लास्ट में, इन लास्ट में क्या आ जाए, 1 3 5 7 9, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इनमें से कुछ आ जाता है ना, तो वो क्या होता है हमारा ओड नंबर, वो क्या होता है हमारा ओड नंबर। अब इसे ओड बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें से बेटा जो सबसे छोटा है लास्ट में जो आना चाहिए, इनमें से 1 3 5 7 9 इनमें से सबसे छोटा है हमारा 1 है, तो 1 को हम यहाँ रख देंगे, क्या कहाँ, लास्ट में, यहाँ पर हमने 0 की जगह पर, इस 0 की जगह पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा बेटा अब हमारा ओड नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ओड नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो ये 0 हमारा क्या होता है, इवन है, इसकी जगह पर हम जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना ओड नंबर के लिए, 1 3 5 7 9 में से 1 सबसे छोटा वाला लिख देंगे, इवन नंबर के लिए 2 4 6 8 में से 8 जो सबसे बड़ा है वो हम 9 की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। आप देखिए नेक्स्ट है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। क्या है देखिए, 13 है बेटा, ए पार्ट है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर using different digits। ये है, और बी पार्ट है बेटा, form the smallest 4 digit number using different digits। बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान है बेटा। आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए इसमें। इसमें बेटा स्मॉलेस्ट बनाना है डिफरेंट डिजिट से।
सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे कि हमारे डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना है। तो बेटा हम क्या करें, अगर लार्जेस्ट बनाना है तो हम लार्जेस्ट जो डिजिट है ना वहां से स्टार्ट कर देंगे, इसको आगे लिखेंगे, फिर ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और स्मॉलेस्ट लिखना तब यहाँ से लिखना करेंगे। ठीक है, हमें बनाना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए लार्जेस्ट बना रहे हैं तो पहले हम 9 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर 7, फिर 6। आपने देखा 4 डिजिट का है तो 4, जब 4 हो जाते तो खत्म कर दे, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे, खत्म हो गए। अगर आगे 5 का पूछते तो हम आगे और लिख देते, जितने का पूछते ना उतने ही लिखते चले जाते, लेकिन यहाँ पर 4 ही पूछा है तो 4 तक लिख देंगे, जहां पर 4 आ जाते हम खत्म कर देंगे। 9 8 7 6, 1 2 3 4 हो गए, 4 ही पूछा है, 4 का हो गया, डिफरेंट सारे ही अलग अलग है, इस तरह से बेटा। अब स्मॉलेस्ट अगर पूछते हैं तो क्या करते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे बेटा, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 यहां तक के लिख देंगे, ठीक है, 0 1 2 3। अब 0 को हम आगे रख नहीं सकते तो 0 के लिए क्या करेंगे, हम 0 को पीछे लिख लेंगे, ठीक है, 1 0 2 3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कि स्मॉलेस्ट के लिए हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट के लिए हम 9 से लिखना स्टार्ट करेंगे, जितने डिजिट का पूछा जाए उतने ही डिजिट हम यूज कर लेंगे, 4 पूछे गए तो 1 2 3 4 डिजिट यूज कर दिए, लेकिन 0 हम आगे रख नहीं सकते तो 0 को हम पीछे लिख देंगे, 1 को आगे लिख देंगे, और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा कि कैसे हमें नंबर्स बनाने हैं डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके। ठीक है बेटा, आज के लिए यही आपका वर्क रहेगा। थैंक्स बेटा।